हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट्स आप सभी हैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन वो भी हंड्रेड परसेंट फ्री फ्रॉम किंडर गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ ऑन दिस चैनल फॉर सी बी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड हमारा एक और चैनल है जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्थ फॉर डेली बोर्ड यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड एम बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड वो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड उस चैनल पे आपको उन सभी फ्रेंड्स को उस चैनल के बारे में बताना है जो कि हिंदी मीडियम से हैं एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में भी अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो उनकी भी बहुत मदद हो जाएगी तो प्लीज उन्हें भी जरूर बताना अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स जितने भी वीडियोज आप मैग्नेट ब्रेंस के प्लेटफॉर्म पर देखते हैं वो हंड्रेड फ्री हैं वो भी हाई क्वालिटी में अपार्ट फ्रॉम दैट ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं आपको जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वैदिक मैथ्स स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलते हैं क्रैश कोर्स भी जल्द ही चालू होने वाला है दिसंबर अराउंड जिसमें हम सारी चीजें क्विक रिवीजन फॉर्मेट में कंप्लीट करेंगे सो स्टूडेंट्स दैट दिस प्लेटफॉर्म इज सुपर अमेजिंग जिसपे आज हम करने वाले हैं एक न्यू सब टॉपिक ये सब टॉपिक्स आपके 6 मार्क्स कवर करता है ये पूरे चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज कंट्रोलिंग का कोर टॉपिक है कोर टॉपिक यानी द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस सब टॉपिक का नाम है Controlling process. स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने कोई प्लान बनाया और एक्चुअल परफॉर्मेंस को चाहिए है ना अब हमने प्लान बनाया था कि थाउजेंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन होगा एक्चुअल में आठ सौ यूनिट बने अब ये दो सौ यूनिट क्यों नहीं बने हमने उसे अनालइज़ किया येस yes, अनाललाइज़ करने के बाद जो गलतियाँ नज़र आईं उन गलतियों को नोट डाउन कर लिया ताकि आगे वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराई जाए इसी प्रोसेस को करेक्टिव मेजर्स लेने को ऑन द बेसिस ऑफ़ द कम्पेरिजन ऑफ प्लान परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इसी को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं. अब कंट्रोलिंग तो और हमने कहीं ना कहीं शॉर्ट में उस प्रोसेस को भी समझ लिया हैं yes no? प्रोसेस, प्रोसेस जो हम आज करने वाले हैं सो so, फटाफट -फड़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी कंसेप्ट रजिस्टर निकालिए एंड उस पर हेडिंग डालिए कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड ये भी हेडिंग डालिए कि इस पूरे चैप्टर का कोर और क्रक्स टॉपिक है एंड आपको इसको बहुत बहुत ध्यान से समझना ही नहीं है सिर्फ बिल्कुल आपके माइंड में फ़िट हो जाना चाहिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रटो बट यस की वर्ड्स बुलेट पॉइंट्स को तो रटना ही पड़ेगा अगर याद नहीं हो पा रहे हैं तो या फिर निमोनिक बना के समझ के आप लर्न कर सकते हो समझ के अंडरस्टैंड करना इस लाइक like रटाफिकेशन से बेटर है समझना ठीक है समझ समझ के अंडरस्टैंड कर करके लर्न करना है ना लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग इज द की ओके स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कंट्रोलिंग प्रोसेस कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है पहले प्लान्स है वो चालू होता है इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स फर्स्ट स्टेप होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेकेंड होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड्स एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस जो मैं आपको डे वन से बताती आ रही हूँ जब मैंने ये चैप्टर चालू किया था उस पूरे डेफिनेशन को यानी प्लान परफॉर्मेंस को देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखो दोनों को कंपेयर करो डेविएशन स्टडी करो करेक्टिव मेजर्स लो इसको ही कंट्रोलिंग बोलते हैं इसी को इन्होंने पाँच स्टेप्स में बांट दिया है है ना तो हम इन पांचों स्टेप्स को ध्यान से लिखेंगे हमारी कॉपी में सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मतलब मेकिंग प्लान है ना तो इसको हम और एक चीज बोल सकते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस ठीक है अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इसको हम क्या बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट अब कंपैरिजन होता है एक्चुअल और प्लान का फिर डेविएशन एनालाइज होते हैं फिर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ये पूरा प्रोसेस है एस एम कैट ठीक है एस एम कैट इसका सिंबल है जिससे आपको वर्डिंग्स हैं जिससे आपको इस प्रोसेस को याद रखना है फिर से बोलिए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है ना फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस फिर उसके बाद कंट्रोलिंग है ना कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल विद द प्लान परफॉर्मेंस फिर उसके बाद एनालाइजिंग द एंड टी फॉर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और करेक्टिव एक्शंस ओके एस एम कैट एस एम कैट इससे याद रखना है ओके स्टूडेंट्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अब हम करने वाले हैं एक अमेजिंग सा एग्जाम्पल सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी एन एग्जाम्पल सो एक स्टेप को ध्यान से भी समझेंगे बट स्टार्ट करते हैं विथ एन एग्जाम्पल दे इज अ कंपनी ध्यान दीजिएगा प्लीज सो दे इज अ कंपनी इस कंपनी का नाम है एक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ठीक है स्टूडेंट्स ये एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ठीक है अब इस कंपनी में ध्यान दीजिएगा अब इस कंपनी में स्टूडेंट्स ये जो एक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है यहां पे मैन्युफैक्चर होता है राइस मैदा सूजी और बेसन ठीक है सो ये एक फैक्ट्री है समझ लेते हैं अपन है ना शॉर्ट में समझे तो यहाँ पर चार चीजें चार चीजें यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं फर्स्ट इज राइस सेकेंड इज सूजी जिसको हम बोलते हैं सिमलीना है ना फिर बेसन ग्राम फ्लोर और मैदा मैदा को क्या बोलते हैं रिफाइंड व्हीट फ्लावर अब इनका जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर है ना हर एक यूनिट का प्रोडक्शन एक साथ इनका जो स्ट्रक्चर है सॉरी नहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर है हर एक यूनिट का प्रोडक्शन एक साथ होता है ठीक है मैदा मैदा जो बनता है डैट इज़ मेड फ्रॉम वीट ओनली है ना राइस राइस तो आपको पता ही है राइस एक अलग ही चीज है ना चावल सेमोलिना सेमोलिना इज ऑल्सो मेड फ्रॉम व्हीट एंड ग्राम फ्लोर इज मेड फ्रॉम चने की दाल ओके सो वी कैन से दैट हमको ये सब चीजें पता हैं अब एक्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है एंड इस कंपनी को बने हुए पाँच साल हो चुके हैं अब छठवें साल के लिए छठवा साल है दो से 2024 छठवें साल के लिए जो मैनेजर है ना जो मैनेजर है उसने एक प्लान बनाया किस मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर ने एक प्लान बनाया ये है हमारे प्रोडक्शन मैनेजर भाई साहब ठीक है तो प्रोडक्शन मैनेजर ने एक प्लान बनाया कि प्रोडक्शन को हर चीज़ के हर आइटम के प्रोडक्शन को थर्टी परसेंट से इंक्रीज़ करना है हमारा सेल्स टारगेट है हर प्रोडक्ट का वो है फिफ्टीन परसेंट फ़िफ्टीन परसेंट हमारा सेल्स टारगेट है कि हमें फिफ्टीन परसेंट रेगुलर सेल्स से हमको पंद्रह परसेंट और इंक्रीज़ करना है ठीक है इसके अलावा हमारी जो क्वालिटी है क्वालिटी ऑफ वीट चना दाल और वट एवर क्वालिटी इज़ इट शुड बी एवन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और प्राइजिंग नॉमिनल रखनी है यानी कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनानी पड़ेगी जहाँ पे चीप लेबर मिलता हो एंड हमारी जो मशीन्स वगैरह हैं उसका भी हमारा कॉस्ट रिकवर हो जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें इस प्रोडक्शन मैनेजर ने सोच के रखी है स्टूडेंट्स ओके okay? अब हम बात करते हैं कि बाद में क्या हुआ 2023-24 के जो ये प्रोडक्शन चालू हुआ एक अप्रैल को एक अप्रैल को प्लान बना एंड काम स्टार्ट हुआ ठीक है अब आ जाती है सॉरी एक अप्रैल 2023, एक अप्रैल 2023 को प्लान बना और काम स्टार्ट हुआ अब मान लीजिए आ जाती है एक 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2024 ठीक है अब क्या जाती है 31 मार्च 2024 हज़ार यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन टारगेट है वो 25% परसेंट होता है और सेल्स टारगेट है वो 10% परसेंट होता है ठीक है और क्वालिटी ए वन नहीं है क्वालिटी बी है ठीक है थोड़ी सी कम क्वालिटी है मान लेते हैं यस और नो सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया पहले प्लान बनाया ठीक है पहले तो हमारी क्या हुई है प्रॉपर प्लानिंग हुई है ठीक है अब यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस आ चुकी है तो हम ये बोलेंगे ये थी हमारी प्लान्ड परफॉर्मेंस मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख दे रही हूं ताकि आपको समझ में आए ये थी हमारी प्लान परफॉर्मेंस और ये है हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस अब क्या हुआ इतना बड़ा गैप सोचिए कि डेविएशंस कितने हैं अगर हम इसके बीच के गैप को एनालाइज करें सो गैप को एनालाइज करने पर हमको डेविएशंस पता चले कुछ कुछ क्या डेविएशन पता चले कि प्रोडक्शन टारगेट पाँच परसेंट से मीट नहीं हो पाया सेल्स टारगेट भी पाँच परसेंट से मीट नहीं हो पाया और क्वालिटी भी डाउनग्रेडेड ही आई है ना तो ये डेवियशंस थे अब ये डेवियशंस एनालाइज किए किसने एनालाइज किए हमारे प्रोडक्शन मैनेजर ने इन डेविएशंस को एनालाइज किया और उन्होंने ये देखा कि प्रोडक्शन टारगेट इसलिए नहीं मीट हो पाया क्योंकि पंद्रह वर्कर्स पंद्रह वर्कर्स को इंजरी हो गई थी जिस वजह से काम नहीं हो पाया प्रॉपरली और सेल्स टारगेट क्यों नहीं मीट हो पाया क्योंकि सेल्स टीम लापरवाह थी है ना केयरलेस थी और क्वालिटी ये ऐसे क्यों आई क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का एक वर्कर जो परचेज करने निकला वो फ्रॉड था उसने पैसे खा लिए है ना तो ये सब प्रोडक्शन मैनेजर ने एनालाइज करे इन सारे डेविएशंस को स्टूडेंट्स अब क्या हुआ प्रोडक्शन मैनेजर ने सोचा चलो जो हो गया सो हो गया अब जब नया साल आएगा है ना अब जब स्टूडेंट्स उसने सोचा कि जब न्यू ईयर आएगा न्यू ईयर कौन सा आएगा न्यू ईयर आएगा इसके बाद फर्स्ट अप्रैल 2024 ट्वेंटी फोर टू थर्टी मार्च ट्वेंटी वहां पे मैं खुद ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करूंगा तब जो प्लान बनेगा तब वो अलग बनेगा अब हम इस प्रोसेस को जो कंट्रोलिंग प्रोसेस मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया इस प्रोसेस को हम उन वर्डिंग्स में समझते हैं जो हमारी किताब की भाषा है अब किताब की भाषा में सबसे पहला स्टेप क्या था वापस आइए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सो कंट्रोलिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप कहाँ पर है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वो यहां पर है ये फर्स्ट स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ठीक है अब सेटिंग इसके अलावा जो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ये कब हुआ ये हमारे एग्जाम्पल में यहां पर हुआ एक्चुअल परफॉर्मेंस ये सेकेंड स्टेप है ठीक है अब हम थर्ड बात देखें थर्ड क्या है थर्ड इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स ये कहाँ पर हुआ था यहाँ पर है ना इस गैप का कंपैरिजन हुआ था तो ये थर्ड स्टेप है अब फोर्थ फोर्थ स्टेप स्टेप में में हमने हमने क्या किया स्टूडेंट्स को किया कि आखिर गलतियाँ क्यों हुई तो फोर्थ स्टेप में ये पता चला कि इम्प्लॉय केयरलेस था एक फ्रॉड निकला और पंद्रह वर्कर्स इंजर्ड थे तो ये तीनों चीजें ये जो डेविएशंस है ये क्या है ये फोर्थ स्टेप है और लास्ट में उसने करेक्टिव मेजर्स लिए है ना तो दिस इज द फिफ्थ स्टेप ओके okay? मैं एक मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ ताकि आप इसका प्रॉपरली स्क्रीन शॉट लें एंड अच्छे से समझें पूरे प्रोसेस को स्टूडेंट्स ओके चलिए सो कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं आई होप आपको बिजनेस स्टडीज इन एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से एंड प्रॉपरली क्लियर होता होगा है ना स्टूडेंट्स चलिए एक एक अच्छे से हम पॉइंट समझते हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया तो एंड आई होप आपने एग्जाम्पल को अपनी कंसेप्ट रजिस्टर में जरूर नोट किया है येस और नो सो द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस

है ना कि क्या प्लान है आपका जिसके बेसिस पे आप क्या करोगे कंट्रोलिंग करोगे जिसके बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर होगी हम कोई प्लान परफॉर्मेंस बनाएंगे और एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी तभी तो डेविएशन एनालाइज होंगे येस और नो नाउ दस स्टैंडर्ड्स सर्व एज अ बेंच मार्क्स टूवर्ड्स विच एंड ऑर्गेनाइजेशन इस ट्राइव टू वर्क है ना तो प्लान क्या है एक बेंच मार्क होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वान्टिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स यानी कि जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्शन स्टैंडर्ड सेल्स टारगेट्स को नंबर्स में ही सेट करो आप ऐसे भी प्लान सेट कर सकते हो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय मॉरल जॉब सिक्योरिटी ये सब चीजें भी आप टारगेट कर सकते हो अपनी प्लान परफॉर्मेंस में तो वो क्या कह लें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव क्या होंगी जब नंबर्स की बात होगी ओके नाउ नेक्स्ट हम बात करें फॉर इंस्टेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट इन कॉस्ट टू बी इनकर्ड रेवेन्यू टू बी अर्न प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस सोल्ड टाइम टू बी स्पेंड ऑन परफॉर्मिंग टास्क ये सब क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं क्योंकि ये सब न्यूमेरिकली मेजर हो पा रहे हैं बट समाइम्स हम क्वालिटेटिव टर्म्स में भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं जैसे गुडविल इम्प्रूव करना मोटिवेशन बढ़ाना एम्प्लॉइज का ये सब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स अ मैनेजर शुड ट्राई टू से कंपेरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस मच ईजियर फॉर इंस्टेंस रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स फ्राम टेन इन एवरी था एवरी था क्वार्टर अब जब हम स्टैंड क्वानिटेटिव टर्म्स में सेट करते हैं तो हम जब डेवियेशंस को एनालाइज करते हैं तो जहाँ दस पीसेस खराब होते थे हजार पीसेस में से अब पाँच पीसेस खराब हो रहे हैं तो ये इम्प्रूवमेंट है कि चलो वेस्टेज मिनिमाइज हो रहा है एन एफर्ट मस्ट बी मेड टू डिफाइन देम यानी अगर हम बोल रहे हैं हमने एक क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन बढ़ाना है अब एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ तो मॉरल उनका बहुत डाउन है दे आर नॉट फीलिंग गुड है ना मोटिवेशन ही नहीं है उनको बट अब उसको मेजर कैसे करोगे सो so, बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम एफर्ट्स को मेजर कर सकें बट येस हम एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि परसेंटेज वाइज हम देखें तो इतने परसेंट चीज़ें ठीक हुई हैं फॉर इंस्टेंस For improving customer satisfaction, a fast food chain having self service standards can be set in terms of time taken by a customer to wait for a table, time taken by him to place the order, and time taken by him. टाइम टेकन टू कलेक्ट द ऑर्डर ये सब चीज़ों को एनालाइज करके आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बूस्ट कर सकते हो ओके okay? कि उसको खाना ऑर्डर करने में कितना टाइम लग रहा है आप खाना कितनी जल्दी ला के दे रहे हो एंड उसके बाद कस्टमर कितना वेट कर रहा है टेबल पे ये सब एनालाइज करो एंड उसके बाद आप डेविएशन देख सकते हो एंड उस टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हो येस और नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी

द नेक्स्ट स्टेप इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस शुड भी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर देर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन सैम्पल चेकिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट जिसमें आप मेजरमेंट कर सकते हो येस और नो स्टूडेंट्स अब जितना पॉसिबल हो सके परफॉर्मेंस शुड बी मेजरिंग सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट अगर स्टैंडर्ड मान लो किलोग्राम या फिर मीटर में हैं तो आप परफॉर्मेंस को लीटर में कैसे मेजर करोगे यूनिट सेम होना चाहिए यस और नो अगर आपने थाउजेंड यूनिट्स का स्टैंडर्ड सेट किया है तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी थाउजेंड यूनिट्स के बेसिस पे ही होनी चाहिए यानी यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए जिससे कंपेरिजन ईजी हो एक मैनेजर के लिए इट इज जनरली बिलीव डैट मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कम्प्लीटेड एक बार काम खत्म हो जाए उसके बाद ही आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हो हाउ जब भी पॉसिबल हो मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी चेंज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अब जब जब पॉसिबल हो आप काम देख सकते हो बीच बीच में भी फॉर इंस्टेंस अगर हम असेंबलिंग का काम देखें सो so, ंग हर पार्ट को फिट करने से पहले एक बार चेक कर लो है ना सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो लेवल ऑफ गैस पार्टिकल इन द एयर कुड बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड ताकि कोई भी नुकसान ना हो ओके okay? सो so, ये सब चीजें देखना है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय में रिक्वायर प्रपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाई ए सुपीरियर अगर हमें इंप्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो उसकी सुपीरियर ने जो उसकी रिव्यू रिपोर्ट बनाई होगी उसको चेक करना पड़ेगा मेजरमेंट ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस अगर कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो आर ओ आई पीरियॉडिक इंटरवल्स पर बार बार चेक करते रहेंगे प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन कुछ ऑपरेटिंग एरियाज जैसे मार्केटिंग में मेजर करना है तो हम कैसे मेजर करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी यूनिट्स बिके है ना मार्केट कितना बढ़ा और एफिशिएंसी है कि नहीं प्रोडक्शन की ये सब हम मेजर कर सकते हैं तो हर चीज़ को मेजर करने के अलग अलग पैरामीटर्स हैं इन शॉर्ट बोला जाए तो है ना हर सेक्टर uh, की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ईच पीस प्रोड्यूस्ड मे बी चेक एनश्योर्स दैट एंड कन्फर्म्स द क्वालिटी हम जब चावल की कट्टी खरीदने लेने जाते हैं यानी कि पूरा बोरा तो हम छोटा सा सैम्पल चेक करते हैं या नहीं सिमिलरली जब प्रोडक्शन होता है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जब जब एक एक पीस बनता है तो प्रॉपर उसे चेक करना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस सही हो हाउ एवर ये पॉसिबल नहीं है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पीसेस चेक करने पड़ते हैं रैंडम इंटरवल्स पे जिसको हम सैंपल चेकिंग बोलते हैं ठीक है या फिर सैम्पलिंग बोलते हैं नाउ स्टेप नंबर थ्री स्टेप थ्री स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स फटाफट से वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ना अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया उसको एक बार गो थ्रू करिए सो स्टूडेंट्स स्टेप थ्री जब हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस से अब मेरे एग्जांपल में मैंने जब आपको बताया था तो हमने कंपैरिजन किया था कि 15 वर्कर्स हमारा 5 परसेंट से जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस थी सेल्स टारगेट 5 परसेंट से कम था परचेस डिपार्टमेंट की गलतियों की वजह से फ्रॉड की वजह से केयरलेसनेस की वजह से और वर्कर्स की इंजरी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई तो हमने क्या किया हमने इन सारी चीज़ों को क्या किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लांट परफॉर्मेंस से कंपेयर किया और डेविएशंस का पता लगाया सो दिस स्टेप इनवॉल्व कंपैरिजन, सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड द डिज़र्ड रिजल्ट्स कंपैरिजन इजी हो जाता है जब स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो जैसे परफॉर्मेंस हो वर्कर की यूनिट्स हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ वीक से ठीक है अब स्टैंडर्ड आउटपुट से बट अगर आ, ऐसी चीज़ें हो जो क्वालिटेटिव हो, उसको हम मेजर नहीं कर सकते ना एनालाइजिंग डेविएशन सो सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज़ इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन ऑल्सो डेविएशन इन द की एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कम्पेयर टू द डेविएशन इन सर्टिन इन सिग्निफिकेंट एरियाज मान लीजिए हमने ये सोचा कि एम्प्लॉय का जो सेटिस्फैक्शन है वो बेटर होना चाहिए बट हमारे सेल्स टारगेट 20 परसेंट से कम है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे सेल्स टारगेट को क्योंकि वो थोड़ी सी चीज़ें जो बाद में भी डील की जा सकती है सो so, डेविएशन में भी हम जब एनालाइज करके उसको करेक्ट करेंगे तो हमें जो ज्यादा अर्जेंट हो उसको पहले ध्यान देना है जो अर्जेंट नहीं हो उसको बाद में ध्यान देना है ओके okay? तो प्रोसेस इतना सिंपल है नाउ स्टेप फाइव जिसमें हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि आने वाले साल में गलतियां ना हो सो फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस करेक्टिव एक्शन नो करेक्टिव एक्शन एक्सेप्टेबल गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज इस्पेश इन दरियाज इंडीडियट मैनेजरियल अटेंशन है ना जब डेवियशंस जो हैं वो इतने ज्यादा हो जाए यानी गैप इतना ज्यादा बढ़ जाए गलतियाँ इतनी हो तो तब क्या करते हैं अपन इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह लेनी पड़ती है ताकि मैनेजर्स उस पर अटेंशन दें एंड ये दोबारा फिर से ना हो और हमने जो प्लान किया था वो अचीव हो जाए ओके सो दिस इज़ टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स एंड एट द लास्ट करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ इम्प्लॉयज़ इफ़ द प्रोडक्शन टारगेट कुड नॉट बी मेट है ना सो करेक्टिव एक्शन जो है उसमें इम्प्लॉइज की ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होती है जैसे कि जब जब प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं होता है ना सो सिमिलरली अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा हो शेड्यूल में हूँ तो करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व असाइनिंग ऑफ एडिशनल वर्कर्स एंड इक्विपमेंट टू प्रोजेक्ट एंड परमिशन फॉर ओवर टाइम वर्क सो जब जब हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं तो हम इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं क्या ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है क्या अच्छे इक्विपमेंट की ज़रूरत है या ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है या ओवर टाइम कराने की जरूरत है सो इन केस डेविएशन के नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन द स्टैंडर्ड्स में हैव टू बी रिवाइज अगर हम गलतियों को ठीक नहीं कर पा रहे मतलब प्लान सही से नहीं बना था अब प्लान को फिर से बनाना पड़ेगा तो पाँच स्टेप का प्रोसेस है प्लान करो कुछ भी चीज़ें जो भी आपको प्रोजेक्ट में प्लान करनी है अपने बिजनेस की बेटर के लिए अब प्लान किया फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करो डेविएशन्स पता लगाओ डेविएशंस एनालाइज करो करेक्टिव मेजर्स लो दिस इज दर सिनारी जिसमें पांचों स्टेप कवर्ड होते हैं येस और नो एक बार फिर से मैं आपको फाइव स्टेप्स दिखा देती हूँ स्टेप वन स्टेप वन इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड स्टेप टू मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टेप थ्री कंपेरिजन स्टेप फोर अनालाइजिंग द डेविएशन स्टेप फाइव करेक्टिव मेजर्स एस एम कैट एस एम कैट शॉर्ट फॉर्म है इसको लर्न करने का ओके स्टूडेंट्स आई होप आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस पूरा अच्छे से समझ में आया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं फर्दर सब टॉपिक कवर करूंगी ऑफ कंट्रोलिंग सो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू बने रहने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं किंडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक की सारी वीडियोज एप्सल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी हाई क्वालिटी में हंड्रेड परसेंट फ्री एजुकेशन आपको मिलती है जिसमें हम आपको इंग्लिश मीडियम सीख एस बोर्ड की तैयारी करवाते हैं क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की एजुकेशन आपको मिलती है हमारे एक दूसरे चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट हिंदी मीडियम चैनल हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्सेस भी आपको मिलते हैं ई नोट्स ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ऐप और वेबसाइट पर भी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप एंड इंस्टा इंस्टाग्राम जिसको आपको फॉलो करना है इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक में थैंक यू सो मच टिल देन हैव अ गुड डे